चार पेज बंगाली में जैसे उनका लिखा था वैसे लिख दिया। फिर मैंने सोचने लगी कि कैलकटा में तीन किताब तीन वॉल्यूम जो है पहले प्रथम तीन खंड जो है वो पब्लिश हो चुके थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं देखती हूँ कि इसको अपनी लिपि में लिखूँ देवनागरी में। तो वो 50 पेज जब मैंने देवनागरी में लिखे तो मुझे हैरानी हुई, मुझे समझ आने लग गए। और वो फिर पता चला कि कोई नई तरह की संस्कृत है कि हमारी बहुत ही पुरानी संस्कृत है, कुछ कोई लोग कहते हैं कि नई है कोई पुरानी है, पर ऐसी संस्कृत है कि सबको समझ आती है। तो फिर उसी में मैं लिखती गई और सारे रहस्य इसके मुझको भी पता चलने लग गए एक के बाद एक। बहुत ऐसा करते हैं इसको थोड़ा और हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे भाग्य से, हम कनाडा वासी के भाग्यों से हमारे पास ऐसी स्थिति आई हुई है। अमिता नथवानी वियाना से आई हुई हैं और उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, जैसे लोग कहते हैं अब हमें कुछ नहीं करना अब हम रिटायर हो गए हैं, वो नहीं, इन्होंने सोचा, इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी, बंगला सीखी और इतने बड़े ग्रंथ को, काव्य ग्रंथ को, जो कि आजकल अब नंबर 3 की कैटेगरी में रामायण महाभारत के बाद आता है, ऐसा एपिक है, ऐसा ग्रंथ है जिसकी इतनी वॉल्यूम्स हैं, हर वॉल्यूम का 1000 पेजेस हैं और उसके बाद आगे उनके मंडल हैं और उनमें इतनी डिटेल्स हैं, उनको इन्होंने समझा है और इन्होंने अपनी देवनागरी में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। आइए हम आपसे पुनः इसी पर बात कर रहे हैं कि इसके आपने कहा कि हर बुक के 1000 पेज, 1000 हैं पर सब मिला मिलू के मैंने देखा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसमें 12,400 पेज थे, पर जो प्रिंटेड वर्शन आएगा वो तो हम अरेंज कर सकते हैं तो इसलिए वो कोई 12,000 थोड़े पेजेस हैं, कोई 100-200, 12,000 से ज़्यादा। तो ये जो है ना देवयन जो है वो तीन कल्प हैं उसके, उसमें एक पहला जो है ब्रह्म कल्प, फिर विष्णु कल्प और तृतीय जो है वो रुद्र कल्प है। ब्रह्म कल्प में 3 वॉल्यूम्स हैं, फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स, और विष्णु कल्प में 4 वॉल्यूम्स हैं और बाकी जो है वो रुद्र कल्प है जो कि आजकल के समय को कवर करता है, जो हम हिस्टोरिकल पीरियड कलयुग बोलते हैं। हाँ कलयुग भी है लास्ट 5 में, और उसमें वो जो सतयुग है वो भी है, जो 12वां खंड है वो पूरा सतयुग पर है और ये कहीं भी नहीं है। और ये जो कल्प आपने बोला है इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, बस मैं यही कहती हूँ कि इस तरह ये डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको, जो ब्रह्म कल्प है उसमें 3 किताबें हैं। जो पहली है वो सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे जो है वो सुप्रीम डिविनिटी जो है वो कैसे उन्होंने सोचा कि मुझे मैनिफेस्ट होना है, मुझे ज़्यादा बढ़ना है, मुझे एक्शन करना है, ये 3 से सृष्टि शुरू हुई। फिर कश्यप ऋषि ने कैसे देवताओं को जन्म दिया और दानवों को भी जन्म दिया, और फिर कैसे हम सारे जो पशु पक्षी मनुष्य कैसे वो क्रिएट हुए मनु के थ्रू, और ये है प्रथम खंड में, ये सारा प्रथम खंड में है। और उसके बाद जो दूसरे खंड से 12वें खंड तक ये चारों युग कवर्ड है जो चल रहे हैं, जो चारों युग है जिसमें रामायण महाभारत भी, हाँ जो थर्ड तीसरा खंड जो है उसमें रामायण है, दूसरे और तीसरे खंड में रामायण है पूरी। और फिर उसके बाद एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि इसमें जो हिस्ट्री हमें मिली है, जो सारी वार्ता मिली है, वो एकदम उसमें कॉन्सिक्वेंस में, मतलब कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब कि अभी कौन राजा अभी आया, उसका बेटा क्या किया, उसका प्रॉपर सीक्वेंस में कोई गैप नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है सतयुग का भी वर्णन है जो कि कहीं भी नहीं है। और कितना अच्छा इन्होंने कहा, पर ये जो जितनी सारी ये वॉल्यूम्स, ये इतना लिखा हुआ है, ये श्री अरविंदो का विजन था या डॉक्टर हजारी? ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ये तो बिल्कुल अजीब गरीब जो चीज़ है वैसी हुई। श्री अरविंदो जब हमें छोड़ के चले गए
दिसंबर 1950 में ऑल ऑफिसर सारे आश्रम बहुत दुखी थे, आश्रमाइट में बहुत दुख था, एकदम अंधेरा जैसे छा गया हो, जब रोशनी चली जाती है अंधेरा छा जाता। उस समय एक जवान जो है जो डॉक्टर हजारी जो थे उनको ये एक बार एक रात को उनको दिखाई दिया, उनको दिव्य दर्शन हुए, उनको शिरोबिंदु दिखाई दिए अपने उनके गुरु, फिर शिव जी दिखाई दिए पिंगल महेश्वर की तरह, और फिर उन्होंने ये भी देखा कि कैसे गणेश जी का आह्वान किया गया ताकि सब कुछ वो साक्षात्कार होया। और ये उस पर निर्णय हुआ कि हर रोज रात को डॉक्टर हजारी को 10 पेज मिल जाएंगे, वो आराम से लिख लेंगे, और इसी तरह ये महान काव्य जो कि 12,000 पेजेस से भी ज़्यादा है वो सारा इस हमारी धरती पर आ जाएगा। तो ये सब वैसे ही हुआ, मार्च के बीच मिडल में 54 में या वो 51 में शुरू हुआ और जुलाई 54 में ख़त्म हो गया। उसके बाद डॉक्टर हजारी ने इसको वो सही तरह से कैलीग्राफी कर के लिख के रखा ताकि आराम से पढ़ा जाए। फिर उन्होंने दुनिया को बताना चाहा, उन्होंने साइनोप्सिस लिखे इसके साइनोप्सिस ताकि लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकें, सारी दुनिया पढ़ सके। फिर 1970 में जब उन्होंने देखा कि बात आगे बढ़ी नहीं तो वो एकदम ध्यान में चले गए, और उन्होंने उनको तब वो जो है वैदिक ऋषियों का दर्शन हुआ जिन्होंने उनको बताया कि देखिए हम ये जो देवायन में जो हमने बात कही है वो कोई नई नहीं है, ये सब हमने पहले ही हमारे वेदों में उपनिषदों में कहा हुआ है, ये मंत्र वहाँ पर है, ये मंत्र वहाँ पर है, आप देख लीजिए, दुनिया को बताइए कि ये सब कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब हमेशा हर ये जब चार युग आते हैं तो हमेशा देवायन आता है। और अभी हम लोगों को क्या करने का है कि सत्ययुग आने वाला है, इसलिए हमें उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ये अर्जेंसी है। इतना मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है, इतना मटेरियलिज्म सब कुछ है, क्या अभी भी उम्मीद है कि सतयुग आएगा? नहीं, अभी तो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं कि इट इज़ डार्केस्ट बिफोर द डॉन। क्योंकि जैसे लिखा गया था, हम पढ़ रहे थे कि कई जगह लिखा हो वी डोंट नो कैसे है कि समय आएगा जब बच्चे अपने माँ बाप की शादियाँ करेंगे और ग्रैंड चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की शादियाँ फिर से देखेंगे, इतना अत्याचार होगा, इतना वायलेंस होगा, इतना सब ये कुछ तो होगा। हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है। सो सब कह रहे हैं ये कलयुग की एक्सट्रीम होती जा रही है। पर वो एक्सट्रीम होएगा तभी एक व्हील जो चल रहा है सुबह आएगी तो उसके बाद रात के बाद तो ऐसा होगा। मैं आपको बताती हूँ, ये जो शिरोबिंदु ने जो कहा था उससे जरा एक स्टेप आगे है। शिरोबिंदु ने कहा था कि हमें अपना प्रयास करना पड़ेगा सुपरामेंटल रियलाइजेशन को पहुंचने के लिए, हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना सब बताया था। पर इसमें क्या है कि क्योंकि समय बदल रहा है तो जो सब देवता हैं जो कि सोए हुए थे कलयुग में वो जाग रहे हैं, और वो देवता सिर्फ ये महासृष्टि में नहीं है, ये हम सब में है। तो जो हमारे अंदर जो देवता है वो सब जागेंगे, और सो उनका जो मेन मैसेज है आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद ही आएगा जो मैन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा और तभी सतयुग आएगा। और एक चीज मदर ने कही थी, कोई 62-63 में कही, ये नहीं शायद 65 में कही थी, उन्होंने फ्रेंच में कहा था ले श्वा इम्पेरेटिव से ला वेरिते ऊ लाबिस, सो द चॉइस इज इम्पेरेटिव, वी ऑल हैव टू मेक द चॉइस, वी ऑल हैव टू मेक अ चॉइस, आइदर वी एक्सेप्ट द ट्रूथ और द or fall down in the precipice. So beautiful. हम यहीं पे अपना कमर्शियल ब्रेक लेना चाहेंगे और इसके बाद ही हम इसको थोड़ा और इसके बारे में बोलेंगे, और साथ में हमारे पास एक और हमारे अतिथि आए हुए हैं जो माध्यम भी बने और जो खुद भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। ओके, शो में पुनः स्वागत। बिकॉज आज हमारा सौभाग्य कि हमारा हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट थर्ड ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया रामायण और महाभारत के बाद इसका नाम आता है, और इसमें क्या है कितना इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है इसके साथ ये जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई भी है देवयान पिंगल,
और ये इतने बड़ा काव्य है, और इसमें क्या क्या है, अभी हमारे पास गेस्ट डॉक्टर शिरीष नथवानी जी आए हुए हैं, वो आपको अपनी भाषा में अपने कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ दो और बुक्स हैं, दिस वन इज़ वॉइस ऑफ द ऋषि एंड देवयान, इसमें जो ग्लिम्पसेस हैं ओनली, अगर आपको जस्ट थोड़े से क्वेश्चन से ही पूछना है कि क्या है इस बड़े महाकाव्य में, आप इनको जान सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि ये सीडी है, ये मंत्रास की है, जो कि आप घर में प्ले कर सकते हैं। कौन से मंत्र कब बजाए जाते हैं और कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो भी आप इनको अगर मॉर्निंग में बजाते हैं तो घर में एक अजीब काइंड की आपको वाइब्रेशन मिलेगी, सुकून मिलेगा, और बहुत ही शांत एनवायरनमेंट हो जाता है, जो कि आत्मा के लिए, मानव के मन के लिए स्थिर रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपको ये सब चाहिए हो तो देवयान devyan.net पे जाकर आप इस सब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शिरीष नथवानी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने इनको हमारे से मिलाया। पहले इतना कहूँगी कि डॉक्टर नथवानी 33 ईयर से न्यूफाउंडलैंड में एज ए सर्जन प्रैक्टिस करते रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, और उसके बाद अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया वाटरलू में आके, देवयाना को स्टडी कर रहे हैं, अपने को स्टूडेंट समझते हैं और समर्पण मेडिटेशन में व्यस्त रहते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आप इस बुक के बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये बुक महाग्रंथ, हाँ ये महाग्रंथ है जो, हाँ वो बहुत भव्य है, उसका तो मैं बहुत एलिमेंट्री स्टूडेंट हूँ, मगर इस किताब मेरे हाथ में आई जब इनका ब्रदर इन लॉ जो है निरंजन भाई जो रहते हैं वर्क फर्गस में, उतने दी तब मैंने पढ़ी तो मुझे मालूम हो गया पढ़ के व्हाट इट इज कि उसकी भव्यता क्या है। श्री अरबिंदो की तो हम सब लोग जानते थे, उसके लिए बहुत मानते हैं, मगर उसकी भव्यता ये आई नज़र में कि ये बहुत अजीब का है। ये ग्रंथ हमारे लिए, आज के ज़माने के लिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंबाइन करने में अजब का काम कर रही है। देखो मैं ऐसे बताते हूँ, एक ग्रंथ है फ्रॉम ए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट कंबाइन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इट एक्सप्लेन्स एवरी क्वेश्चन ए ह्यूमन बीइंग कुड पॉसिबली हैव अबाउट लाइफ, अबाउट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल द contradictory things happening in the world, and what is our role, what is it all about. And at the same time, it explains about the what modern science has come up in its cutting edge, in the science of cosmology, in the science of medicine, how diseases are caused, what are the things that make a human being unhappy in a way which dwells into the field of psychology, human psychology, but most of all it dwells into the field of all the laws of the universe, physics, it's cosmology, it deals it with and human behavior, the laws of human behavior, it deals with the science of logic. In fact, there is nothing in it. The question is, what is not in it, I find. And I only have a glimpse of it, but it's like an ocean. And what it does is that it is something that not only gives us an understanding of the world around us, but understanding of ourselves, and at the same time, it teaches us how to bring joy and happiness in the life of, or in our own lives, and share it with others. It's hard to describe an epic like this. So beautiful, I can see that. और सबसे बड़ी बात, जो लोग मेरे से बाद में जुड़े हैं, इसकी this is one volume, इसकी 12 volumes हैं, 12 volumes हैं, और हर volume के almost 1000 page हैं. और उसको जैसे डॉक्टर हजारी ने लिखा बंगाली में और हमारी अमिता जी ने उसको लिप्यांतर किया, आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो देवायन है वो शिरोबिंदो का मैसेज है हमें थ्रू गॉड ह्यूमैनिटी, हम सारे दुनिया को ये मैसेज है। जब उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया उसके बाद 3 महीने बाद वो शिव जी पिंगल महेश्वर के साथ और गणेश जी के साथ आकर डॉक्टर हजारी के करीब उनके सिर पे उनके सब जगह वो रहे, नहीं वो दर्शन दिए और वो 3 साल 4 महीने तक उनके पास रहे उन, ताकि ये जो काव्य हर रोज रात को 10 पेज आता जाए और लिखता इस तरह ये सारा काव्य पूरा होया। अभी हमें इसको फॉलो करना है, हमें अपने आप डिसाइड करना है कि हमें किस तरफ जाना है और हमें ये मंत्र वगैरह अगर हम सुने तो हमारा काम आसान हो जाएगा। धन्यवाद सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन जाने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, आप क्या देना चाहते हैं, तो हम बहुत बहुत अपने व्यूअर की ओर से आपके आभारी हैं। मैसेज एक ही है कि ये हम आजकल जो हम कलयुग में जो हमें बहुत कठिनाइयाँ मिल रही हैं, हम चारों तरफ काला ही काला देख रहे हैं, पर हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये समय में हमारे हर एक आदमी के शरीर में जो देवता हैं वो अब जाग रहे हैं और वो एक्टिव होने वाले हैं। इसीलिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें अब सही मार्ग लेना पड़ेगा और नहीं तो हम सब के लिए प्रलय आ जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए टॉपिक नए मैना लेके जल्दी आऊँगी। आज का दिन शुभ मंगलमय।